पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला महेश पांडे गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद खूब चर्चा हुई। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिस धमकी के बाद नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, जिस धमकी भरे कॉल के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की करने की मांग कर डाली, वो धमकी भरा कॉल दिल्ली के महेश पांडे ने की थी और उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। चेहरे पर काला नकाब ओढ़े यही वो महेश पांडे है जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वो मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है जिस दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी थी। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। कई नंबरों से फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिसका एक ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया था। इसके बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और सरकार पर भी निशाना साधा था, लेकिन महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद खूब चर्चा हुई और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, क्यों उसके नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी। तो पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जान लेते हैं। लेकिन दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का रहने वाला है और जिसकी गिनती इस समय देश के सबसे बड़े गैंगस्टर में होती है। बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है और वहीं से अपने गैंग को वो चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर करीब 50 मामले दर्ज है और ऐसा माना जाता है कि लॉरेंस के गैंग में देश भर में करीब 700 शूटर्स हैं, जिसमें 300 शूटर अकेले पंजाब के। ये संख्या ये बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कितना बड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है, जिसमें जर्मनी, कनाडा और अमेरिका जैसे देश शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के बड़े गुर्गे या कहे कि उसके गैंग के जो बड़े बदमाश है वो है उसका भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरा जो विदेश में रहता है और रोहित गोदारा। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब लॉरेंस बिश्नोई 2016 से जेल में बंद है तो फिर गैंग कैसे चलाता है, तो आइए वो भी जानते हैं। देखिए, कई रिपोर्ट्स की अगर माने तो लॉरेंस का जो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो VOIP के जरिए कॉल करता है। आपको ये बता दें कि VOIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट से कॉल किया जाता है और ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस गैंग ने कई बड़े अपराध किए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई और जिसकी वजह से लॉरेंस का खौफ हर तरफ देखा जा रहा है। और यही नहीं, महेश पांडे जैसे लोग उसके नाम पर धमकी देकर दुश्मनी साध रहे हैं। तो आइए लॉरेंस गैंग के बड़े कांड भी जान लेते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेवारी ली। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेडी की हत्या करा दी और यही नहीं, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर गोली चलवाई और हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है। अब चूंकि बाबा सिद्दीकी से सलमान खान की नजदीकी थी तो इसी वजह से इसकी चर्चा खूब हो रही है। अब ऐसे में ये समझिए कि पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के बयान दिया था, तो ऐसे में महेश पांडे ने इसी का फायदा उठाया और लॉरेंस के नाम पर कॉल करके पप्पू यादव को धमकी दे डाली। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि पप्पू यादव को
कई नंबर से धमकी मिली है। ऐसे में बाकी नंबरों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल अब तक की जांच में ये सामने आया है कि महेश पांडे का लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाकी धमकी देने वालों का लॉरेंस से संबंध है या नहीं ये जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल ये समझ आया कि जो व्यक्ति पप्पू यादव को जिसने कॉल की और धमकी दी उसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बिल्कुल भी नहीं है। जांच पड़ताल की जा रही है। सिम कार्ड और मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं।